Good morning and welcome to StudyIQ, my dear friends. I am Prashant Mavani. I hope you all are doing good this morning. Today is 19th March 2020. Din hai Thursday. Today, on our table, there are two articles. One is competitive impropriety and the other is in the upper house nomination, a fall for aloofness. This article is written by Prashant Bhushan, who is a very famous lawyer in our country. These two articles are our former Chief Justice of India. या फिर यहां पर मैं कह देता हूं कि एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस रंजन गोगोई के ऊपर लिखे गए दो आर्टिकल्स हैं. आपको पता होगा कि न्यूज़ में ये बात काफ़ी चर्चा में रही है कि जो रंजन गोगोई हैं, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, तो रिटायरमेंट के कुछ चार महीने हुए हैं और उनको प्रेजिडेंट ने नॉमिनेट कर दिया है राज्यसभा में. तो वो अब राज्यसभा के एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन चुके हैं. तो आपके लिए एक प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर वन इज के प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो राज्यसभा में कितने लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं, कितनी सीट्स जो हैं वो नॉमिनेशन के लिए होती हैं. स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन. ये पहला प्रश्न है, आगे और भी मैं प्रश्न आपको पूछने वाला हूं. देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओवर द क्लिफ. ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर लिखा गया एक आर्टिकल है. कुछ फैक्ट्स यहां पर डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. देन वी हैव टाइम फॉर अ पावरफुल डिस्प्ले ऑफ ह्यूमैनिटी. कोरोना वायरस कैसे स्प्रेड हो रहा है और कैसे इसको रोका जा सकता है, इसके बारे में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. देन दिस वन इज अबाउट अगेन कोरोना वायरस, फेथ कैनॉट या फिर फेथ कैंट ओवरराइड पब्लिक हेल्थ. उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ी गलती करने वाला है और इस गलती से हमें अपने आप को, हमारे देश को बचाना चाहिए. ये क्या है इसको समझेंगे और लास्ट में देखेंगे एंड सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट violative of minority rights. And that's everything, dear friends. So let's crack on. Aage badhe usse pehle, dear friends, hamare pen drive and tablet courses alag-alag competitive exams ke liye available hain. Inko Bharat ke best faculties ne design kiya hai. Inke madhyam se hazaron students ne alag-alag competitive exams ko crack kiya hai. Aap inko studyiq.com ke upar se khareed sakte hain. Agar aapke mann mein koi question, queries, doubts hain inko lekar, to ye rahe numbers jinke upar aap hame call bhi kar sakte hain. Aaj ke lecture ki PDF ko download karna chahte hain, then check out my Telegram channel. If you want to get in touch with me, then you can send me messages on Facebook. And dear friends, please make sure कि आप इस lecture को दूसरे students के साथ share करें. Video पसंद आता है, then hit the like button and please don't forget to subscribe to our YouTube channel. तो आपकी screen के ऊपर तस्वीर है former Chief Justice of India रंजन गोगोई साहब की, जो अब राज्यसभा के member बन चुके हैं. And let me tell you, उन्होंने कोई election लड़ा नहीं है, उनको नॉमिनेट किया गया है. प्रेसिडेंट जो हैं उनके पास ये पावर्स हैं कि वो लोगों को नॉमिनेट कर सके राज्यसभा में. अब कितने लोगों को नॉमिनेट किया जा सकता है वो तो मैंने आपको प्रश्न पूछ लिया है, लेकिन क्यों नॉमिनेट किया जा सकता है या फिर क्यों नॉमिनेट किया जाता है, राइट, इसके बारे में मैं थोड़ी आपके साथ डिस्कशन करना चाहता हूँ. द रीज़न इज़ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका अलग अलग फील्ड में काफ़ी अच्छा अनुभव होता है और as you know our country, हमारा देश जो है, it's all about representation, right? Parliament is all about representation. तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी फील्ड में काफ़ी अच्छे एक्सपर्ट हैं लेकिन वो पॉलिटिशियंस नहीं हैं. दे डोंट नो हाउ टू यू नो फाइट इलेक्शंस, उनको पता नहीं है, वो किसी पार्टी के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन उनका जो लाइफ का अनुभव है, उनका जो एक्सपीरियंस है, कई बार मैंने आपको बताया कि एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट आपको नहीं मिलता. तो उनका जो अनुभव है कोई फील्ड में, फॉर एग्जांपल एक्टिंग में या फिर राइटिंग में या फिर स्पोर्ट्स में, साइंस में एक्सेट्रा, तो ये अनुभव जो है ये देश को मिले, इसका लाभ देश को मिले, तो इसके लिए ये सिस्टम रखी गई है कि प्रेसिडेंट जो हैं वो उनको नॉमिनेट करें ताकि ऐसे लोग जो हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको इलेक्शन फाइट ना करना पड़े, किसी पार्टी के साथ जुड़ना ना पड़े, डायरेक्टली वो नॉमिनेट किए जा सकते हैं और अपने वैल्यूएबल इनपुट्स जो हैं वो राज्यसभा में यानी कि देश का जो मंदिर है पार्लियामेंट जो है उसमें दे सके और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे देश में ला सके. तो दिस इज़ द मेन रीज़न के नॉमिनेशन जो है उसकी सिस्टम रखी गई है. नाउ कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक, डियर फ्रेंड्स, चार महीनों का ही गैप हुआ, रिटायर हुए और चार महीनों के बाद उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया गया है. ध्यान रहे कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो हैं उन्होंने लिए हैं. दो डिसीजंस मैं बाद के लिए रखता हूं, चार डिसीजंस मैं आपको अभी याद दिला देता हूं. एक तो है अयोध्या वाला केस, अयोध्या डिस्प्यूट, फिर रफाल वाला केस, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फाइटर जेट, इलेक्टोरल बॉन्ड्स,
आई होप आपको याद आ रहा होगा ये सारी चीज़ें जो मैं आपको लिख रहा हूँ यहाँ पर, खास करके वे सारे स्टूडेंट्स जो रेगुलर बेसिस पर करंट अफेयर्स को फॉलो करते आए हैं। एन आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर के साथ जुड़ा हुआ केस। तो ये चार जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं, इसके अलावा दो और केसेस हैं जिसके बारे में हम नेक्स्ट आर्टिकल में जब पहुंचेंगे तब बात करेंगे। तो बेसिकली ये चार बड़े बड़े केसेस में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने ऐसे डिसीजंस दिए थे जो डिसीजंस या फिर दिए हैं जो डिसीजंस जो गवर्नमेंट हैं उसके पक्ष में, उसके फेवर में हैं, और अब यहाँ पर उनको राज्यसभा का एमपी नॉमिनेट किया जाता है। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न उठ रहा है, प्रश्न ये है कि क्या हमारी सुप्रीम कोर्ट, क्या हमारी जो ये जस्टिस सिस्टम है वो जेन्युइनली इंडिपेंडेंट है? और ऐसा नहीं है यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है, ये पॉलिटिक्स और जुडिशियरी के बीच में एक सिचुएशन आ गई थी जब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन NJAC को इंट्रोड्यूस किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स किए गए और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको इनवैलिड बता दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि ये जो जुडिशियरी की जो एक स्वतंत्रता है उसको खरोच पहुंचेगी, स्वतंत्रता चली जाएगी बिकॉज ऑफ दिस NJAC, और इसको रिजेक्ट कर दिया। तो एक ऐसा फेज था जब गवर्नमेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट या फिर गवर्नमेंट वर्सेस जुडिशियरी जैसी सिचुएशन हमें देखने को मिल रही थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट का काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग होल्ड आ चुका है सुप्रीम कोर्ट में भी, एंड दैट इज़ ए मैटर ऑफ कंसर्न, क्योंकि हमारा पूरा देश जो है ये चेक एंड बैलेंस के ऊपर चलता है कि कोई भी इसमें इतना पावरफुल नहीं है, जुडिशियरी भी इतनी पावरफुल नहीं है, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है, प्रेसिडेंट भी नहीं है, पार्लियामेंट भी नहीं है। अगर व्हेन आई से पावरफुल नहीं है, आई मीन टू से के सबसे ऊपर है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर आप नहीं जा सकते, और कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारे चेक एंड बैलेंस जो हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से दिए गए हैं। नाउ द थिंग इज़ के ये जो एक चीज़ सामने आई है, तो इसको इससे ये लग रहा है कि ऐसा एग्जाम्पल सेट हो रहा है कि रेजिम जो हैं, जो गवर्नमेंट हैं, उसने जुडिशियरी के एक व्यक्ति को रिपोर्ट दिया है ताकि उन्होंने ये सारे डिसीजंस जो हैं गवर्नमेंट के फेवर में सुनाए। द फैक्ट दैट अ सीरीज ऑफ डिसीजंस इन हिज कोर्ट यानी कि रंजन गोगोई कोर्ट, वेयर इन सीमिंग कन्फर्मिटी विद द प्रेजेंट गवर्नमेंट्स एक्सपेक्टेशंस मिलिटेट अगेंस्ट सच ए जस्टिफिकेशन। और इतिहास में अगर हम नजर डालें तो ऐसी चीज़ें हमें पहले भी देखने को मिली थी, और ये आर्ग्यूमेंट दी जा रही है कि इससे पहले चीफ जस्टिस जो हैं उनको राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया है, एक P Sathasivam थे तो उनको केरला का गवर्नर बनाया गया था, तो उस टाइम पर भी काफ़ी सारा विरोध हुआ था। आई थिंक इट वाज इन 2014 जब उनको गवर्नर बनाया गया केरला का। और एक केस है मीन्स लेट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंगनाथ मिश्रा के बारे में बात करें तो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग उनका केस है। राज्यसभा के अपर हाउस यानी कि राज्यसभा, तो राज्यसभा के वो एमपी थे, 1972 में उन्होंने राज्यसभा को छोड़कर वो हाईकोर्ट के जज बने, राइट? और फिर 1983 में ये बिकेम सुप्रीम कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट के जज भी बने, और 1983 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे वो फिर वो रिटायर हुए, और 1983 में वो फिर से इलेक्शन लड़े। तो एक पॉलिटिक्स में एक व्यक्ति था, ये व्यक्ति जो है वो फिर जज बनता है, जज बनने के बाद हाईएस्ट लेवल तक पहुंचते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं, और उसके बाद रिटायर होकर फिर से इलेक्शंस लड़ते हैं। और जस्टिस मिश्रा ने ही कांग्रेस को ये जो 1984 का जो एंटी सिख रायोट है तो उसमें उनको बाइज़त बरी किया था कि कांग्रेस का इसमें हाथ नहीं है, ऐसा उनकी ही बेंच ने बताया था। इसके साथ एक दूसरा एग्जांपल है जस्टिस बहारुल इस्लाम। जस्टिस बहारुल इस्लाम कांग्रेस के एक व्यक्ति थे, तो उन्होंने भी मीन्स उनकी भी स्टोरी ऐसी है कि पॉलिटिक्स के साथ जुड़े हुए थे और उनको दोष मुक्त किया था, कांग्रेस के एक चीफ मिनिस्टर को उन्होंने दोष मुक्त किया था इन बिहार फाइनेंशियल ये करप्शन केस। और यहाँ पर मिस्टर गोगोई का कहना यह है कि उनका एमपी बनना जो है ये जुडिशियरी और लेजिस्लेटिव के बीच में एकजुटता यानी कि एक ब्रिज के तौर पर वो काम करेंगे। नाउ द थिंग इज़ ऐसे ब्रिज की हमारे देश को आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि अपने अपनी जगह पर ये सारे जो पिलर्स हैं डेमोक्रेसी के, जो हम चार पिलर्स कहते हैं, लेजिस्लेटिव यानी कि हमारी पार्लियामेंट एंड असेंबलीज,
देन यू हैव एग्जीक्यूटिव्स, देन यू हैव जुडिशियरी और फोर्थ हैं मीडिया. तो ये अपनी अपनी जगह पर अगर इंडिपेंडेंट हैं तो एक दूसरे के ऊपर चेक्स एंड बैलेंस रख पाएंगे, और फिर आप एक दूसरे को ब्रिज कर देंगे, ज्वाइंट कर देंगे, तो फिर चीज़ें जो हैं वो ऐसी हो सकती हैं. नाउ सेकंड आर्टिकल जो है, इन द अपर हाउस नोमिनेशन ए फॉल फॉर एलूफनेस. अगर आप जजेस के प्रोटोकॉल्स को पढ़ें, उन यू नो जजेस को जो एक एक वे ऑफ लाइफ जो होती है एक जज की, तो उसमें है कि यू नो ए जज इज 24/7, 365 days he is a judge, he or she is a judge. तो उनका उनसे एक बिहेवियर की एक्सपेक्टेशन की जाती है, यू नो कि उनका बिहेवियर. अब बहुत केसेस मीन्स रंजन गोगोई साहब की बात करें, एज पर दिस आर्टिकल, ये प्रशांत भूषण का जो आर्टिकल है, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि उनकी प्राइवेट पार्टीज़ में पॉलिटिशियंस होते थे. अब इमेजिन कि अगर उसी पॉलिटिशियन या फिर उसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ा हुआ कोई केस इनकी बेंच के सामने आया, तो फिर यू नो डिसीजन क्या हो सकता है. एज ए ह्यूमन बीइंग मीन्स आई टेल यू, आप कितने भी ट्रेंड क्यों ना हो, देर आर फ्यू थिंग्स दैट यू कैन नॉट इग्नोर. फॉर एग्जांपल, एक बुक है, कभी आप पढ़िएगा अगर आपको वक्त मिले, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो. तो उसमें एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि जो जजेस हैं, और ये बुक लिखी है एक बहुत ही फेमस पर्सन ने, जो जिनको आई थिंक 2002 में इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था, डेनियल कोहनमैन इनका नाम है, और काफ़ी फेमस व्यक्ति हैं साइकोलॉजी और इन सारी चीज़ों के ऊपर ये बुक लिखते हैं. आई एम जस्ट गोइंग टू बी वेरी क्विक हियर, मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि दोपहर के लंच में जब जजेस को थोड़ी बहुत स्वीट चीज़ें खिलाई गई, तो उनके डिसीजंस जो थे उसके ऊपर भी एक इम्पैक्ट हुआ, बिकॉज इट क्रिएट्स ए सॉर्ट ऑफ गुड मूड. डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप उसको पता नहीं होता है, बट दिस वॉज प्रूवन बाय दिस एक्सपेरिमेंट, एक रिसर्च इसके ऊपर की गई. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज, ऐसा नहीं है कि मिठाई खिलानी चाहिए. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, चाहे आप फिर प्राइम मिनिस्टर हो या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो. तो इन द सेम वे एज अ ह्यूमन बींग, अगर आप आपके दोस्त जो हैं वो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, देन अगर वो आपकी पार्टीज़ में और सारी जगहों पर हैं, तो फिर वो आपको कुछ यू नो उनका एक इन्फ्लुएंस भी आपके ऊपर होगा, एंड ये आपके काम के ऊपर भी इसका इन्फ्लुएंस हो सकता है. और जस्टिस गगोई के दूसरे जो डिसीजंस की बात करूं, तो एक तो है NRC जो आसाम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स आसाम, और सबरीमाला टेम्पल वाला, ये दो जो केसेस हैं उसमें भी उन्होंने काफ़ी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, और इसमें भी गवर्नमेंट को काफ़ी फायदा हुआ है. ही वॉज ए जज हु हैड पार्टिसिपेटेड इन ए प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड ऑन January 2018. ये जो दिन है ये अपने आप में एक बहुत ही यू कैन से इंटरेस्टिंग दिन था, कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद चार जो मोस्ट सीनियर जजेस हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. एंड दिस इज मीन्स ऐसा हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि चार सीनियर मोस्ट जजेस जो कॉलेजियम के पार्ट हैं, उन्होंने उस टाइम पर जो चीफ जस्टिस थे उसके खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और ये बताया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं वो अपनी मनमानी चलाते हैं, थिंग्स लाइक दैट. तो उसमें भी ये शामिल थे, एंड सी द थिंग कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं और चीज़ें जो हैं वो ऑल टुगेदर डिफरेंट हो जाती हैं. हमें ये भी याद रखना होगा कि उनके खिलाफ एक सेक्सुअल हरासमेंट का केस भी सामने आया था. बट लेट मी टेल यू वन थिंग राइट, कि ये जो पूरा आर्टिकल आप पढ़ेंगे, तो इस आर्टिकल में बहुत सारी छोटी बड़ी डिटेल्स दी गई हैं. ये जो सेक्सुअल हरासमेंट वाला केस है, फॉर एग्जांपल वो जो लेडी थी उसको डिसमिस किया गया, उसके जो ब्रदर इन लॉ हैं उनको जॉब में से निकाला गया, फिर आई थिंक उनके जो हस्बैंड हैं वो पुलिस में थे, तो दिल्ली पुलिस ने उनके हस्बैंड को सस्पेंड कर दिया और उनके भाई को सस्पेंड कर दिया, उनके हस्बैंड और उसके भाई को सस्पेंड कर दिया ऑन बेसलेस चार्जेस. फिर ये भी बताया है इसमें कि ये जो लेडी हैं, दिल्ली पुलिस वहाँ पर जाती हैं उनको उठाकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के वहाँ पर, यानी कि रंजन गोगोई के पास, उनके घर पर ले जाती हैं, और फिर वो लेडी जो हैं वो माफ़ी मांगनी पड़ती हैं एंड थिंग्स लाइक दैट. और फिर से उनको यू नो एक केस जो है वो खुद ही उस केस में थे, मीन्स जस्टिस गोगोई सेट एज ए जज इन हिज ओन. आज आप सोचिए कि आपने मेरे खिलाफ कोई केस किया है और जज भी मैं ही हूँ, राइट, आई एम लुकिंग आफ्टर माई ओन केस. तो ये मीन्स ये कौन सा लॉजिक हुआ ये, राइट, दिस इज इलॉजिकल. तो ये चीज़ भी हो चुकी है.
तो ये जो पूरा आर्टिकल पढ़ते हैं हम, ये जो इन अपर हाउस नॉमिनेशन है फॉल फॉर एलूफनेस, तो इससे एक चिंता पैदा होती है. यू नो इट्स ए मैटर ऑफ कंसर्न फॉर द कंट्री कि अगर ये चीज़ अगर यहाँ पर जो बताई है अगर ये सही है, ये सच है, तो देश के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा हो सकता है कि जुडिशियरी और गवर्नमेंट जो है वो मिलने लगेगी. फिर ऐसा नहीं है कि बीजेपी गवर्नमेंट ही ये करेगी, फिर फ्यूचर में कोई भी गवर्नमेंट आएगी दैट गवर्नमेंट विल ट्राई टू यू नो इन्फ्लुएंस सुप्रीम कोर्ट. और पास्ट में भी हमने देखा, तो पास्ट में जो हुआ तो ये प्रेजेंट में हो रहा है और ये फिर फ्यूचर में भी होगा. तो इसमें हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे जुडिशियरी से, इज़न्ट इट. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, ओवर द क्लिफ. द नेक्स्ट US प्रेजिडेंट विल डिसाइड वेदर द प्लानट गोज ओवर द क्लाइमेट क्लिफ और पुल्स बैक फ्रॉम द ब्रिंक. नेक्स्ट यूएसए के प्रेसिडेंट जो हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर. यहाँ पर कुछ पॉलिटिक्स के साथ जुड़ी हुई भी बातचीत है, लेकिन वी आर गोइंग टू ड्रॉप दैट थिंग. वी आर गोइंग टू फोकस ऑन ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर एग्जामिनेशन. तो फैक्ट्स के बारे में बात करें तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है डियर फ्रेंड्स. फ्यूचर में मैं ही आपको इसके ऊपर प्रश्न भी पूछूंगा और बन सकता है कि इसके ऊपर से आपको MCQs भी पूछा जाए प्रीलिम्स में और मेंस एग्जामिनेशन में भी. क्लाइमेट चेंज को लेकर आपको प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये आंसर राइटिंग में भी ये पॉइंट्स जो हैं वो आपको काम आ सकते हैं. जनरल स्टडीज़ की मैं बात कर रहा हूँ या फिर ऐसे राइटिंग में या फिर इंटरव्यू में भी ये पॉइंट्स आपको काम आ सकते हैं. अनदर थिंग इज़ के देखिए आने वाले 10 सालों में वी हैव टू मेक श्योर कि जितना ग्रीन हाउस कार्बन एमिशन है उसको हम 55% कम करें. कितना? 55%. अगर हम ये करते हैं तो हम हमारी पृथ्वी का जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे कम रख पाएंगे. अगर हम 25% कम करते हैं तो हम 2 डिग्री सेल्सियस से कम रख पाएंगे. 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा अगर हम गए तो 2 डिग्री सेल्सियस को टिपिंग पॉइंट बताया जाता है. टिपिंग पॉइंट एज यू नो इट वेरी वेल, मैंने कई बार आपको बताया है लेकिन फिर भी नए स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए लेट मी टेल यू कि मान लीजिए कोई चीज़ जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, राइट, लेकिन एक पॉइंट होता है, लेट्स से दिस इज़ द टिपिंग पॉइंट. तो यहाँ पर धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं और एक बार टिपिंग पॉइंट हिट हो गया तो यहाँ पर जो एक इंक्रीमेंटल धीरे धीरे जो ग्रोथ हो रहा था ये ऑल ऑफ द सडन स्काई रॉकेट हो जाएगा, वो ऑल ऑफ द सडन बढ़ जाएगा. और यहाँ पर एक बार आपने ये लाइन को क्रॉस कर ली, टिपिंग पॉइंट की लाइन को क्रॉस कर ली, उसके बाद चीज़ें वापस नॉर्मल कभी नहीं हो पाएगी. तो 2 डिग्री सेल्सियस को एक टिपिंग पॉइंट भी बताया जाता है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो हैं हमारे प्लेनेट को बचाएं, कार्बन एमिशन को कम करें, कार्बन सिंक को इंक्रीज़ करें, ज़्यादा जंगल्स हों, ज़्यादा ट्रीज़ हों, ताकि कार्बन जो है उसको वापस रिस्टोर किया जा सके. अब ये तो नियरली इम्पॉसिबल लग रहा है क्योंकि 1-3% हर साल जो है इसमें एनुअल ग्रोथ होता रहा है. पेरिस एग्रीमेंट की बात करें तो कमिटमेंट्स तो बड़े बड़े हुए, लेकिन आज लेटेस्ट रिसर्च ये भी बताती है कि जो पेरिस एग्रीमेंट के कमिटमेंट्स हैं अगर उनको हम थरोली फॉलो करें तो भी हम क्लाइमेट को नहीं बचा पाएंगे. वी हैव टू डू मोर देन दैट. ओबामा ईयर्स की बात करें 2008 से 2016 की, तो ये जो 8 साल हैं प्रेसिडेंट जो हैं यूएसए के वो 4 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, तो ये 8 सालों में बहुत सारी चीज़ें हुई भी हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं भी हुई. फॉर एग्जांपल पेरिस एग्रीमेंट में ओबामा ने एक बहुत ओबामा की रेजिम ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, लेकिन क्योटो एग्रीमेंट और कोपनहेगन एकॉर्ड जो हैं उसके जो कमिटमेंट्स हैं वो यूएसए अचीव नहीं कर पाया. आपके लिए एक प्रश्न है कि ये जो क्योटो एग्रीमेंट है वो किस पर्टिकुलर गैस के साथ जुड़ा हुआ है. क्योटो एग्रीमेंट इज अबाउट क्योटो प्रोटोकॉल या फिर क्योटो एग्रीमेंट जो है वो किस गैस के साथ डील करता है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 फॉर यू. यूएसए जो है वो दुनिया का बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है, राइट, और चाइना के बाद आज सेकंड नंबर पर यूएस है एज फार एज एमिशन इज कंसर्न्ड. और ये जो बड़े बड़े देश हैं, अगर यूएसए जो मिस्टर ट्रंप ने बताया है कि यूएसए पेरिस एग्रीमेंट से निकल जाएगा और एक नई डील चाहता है, तो अब वो वक्त हमारे पास नहीं है. एज़ यू नो इट वेरी वेल 10 साल हैं, 10 साल में हमने काम नहीं किया तो फिर चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे. बहुत सारे साइंटिस्ट का कहना ये भी है कि ये जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है वो 10 साल के बाद बंद हो जाएगी. उसके बाद आप कुछ भी करें, उसके बाद अगर आप पूरी पृथ्वी पर जितनी जगह पर फैक्ट्रीज है उसको हटा कर भी अगर आप वहाँ पर पेड़ पौधे लगा देंगे, जंगल्स बना देंगे, तो भी वो चीज़ें वापस रिस्टोर नहीं हो पाएगी. ऐसा भी बहुत सारे साइंटिस्ट्स ने ऑलरेडी बताया है. तो इट इज़ द राइट टाइम के लोग जो हैं अमेरिका के लोग खड़े हो जाएं, अमेरिका के लोग जो हैं वो सामने आएँ और सिर्फ अमेरिका नहीं दुनिया की पब्लिक को भी
एक आवाज़ में इसके खिलाफ जो है जंग छेड़नी होगी, क्योंकि एक कॉमन चीज़ जो हम सब शेयर करते हैं, दैट इज़ आवर एटमोसफियर। अगर कोई एक भी देश पोल्यूशन को बढ़ाता है तो वो हम सबको अफेक्ट करेगा, इज़न्ट इट? तो वी हैव टू एज अ ह्यूमन बींग्स वी हैव टू स्टैंड टॉल एंड स्टैंड टुगेदर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, फेथ कैंट ओवरराइड पब्लिक हेल्थ। मास गैदरिंग्स, बहुत सारी जगहों पर मास गैदरिंग्स हुई और एग्जांपल भी हमारे पास ये जो SARS-CoV-2 यानी कि कोरोना वायरस जो हैं, एक डायमंड प्रिंसेस क्रूज शिप के बारे में आपने हमने स्टार्टिंग में डिस्कशन की थी कि इसको पानी में ही रोक दिया था बिकॉज ये पता चला कि इस क्रूज शिप में कुछ लोग जो हैं वो कोरोना वायरस से अफेक्ट हुए थे और फिर पता चला कि 712 लोग इसमें अफेक्ट हुए। चाइना की बहुत सारी जेल में 500 से भी ज़्यादा लोग जो हैं वो अफेक्ट हुए। फिर सिंगापुर और साउथ कोरिया में जो चर्च में गैदरिंग्स होती हैं उसकी वजह से कोरोना वायरस काफ़ी फेमस हुआ। फॉर्मूला वन कार की रेस, टेनिस, बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट एक्सेट्रा, ये सारे टूर्नामेंट्स भी कैंसिल किए गए हैं। नरेंद्र मोदी साहब ने भी ये अनाउंस किया था कि वो होली को सेलिब्रेट नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस। और उत्तर प्रदेश सरकार एक बहुत बड़ी गलती करने वाली है। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह तय किया है कि अयोध्या रामनवमी मेला जो है वो एज़ पर प्लान कंडक्ट किया जाएगा फ्रॉम 25th मार्च टू 2nd अप्रैल। नाउ दिस कैन बी ए वेरी बिग मिस्टेक, हमें इसको रोकना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट रिलीजन बट इट इज़ अबाउट पब्लिक हेल्थ। इंटरनेशनल वेमेंस डे का अगर हम एग्जांपल लें, मैड्रिड यानी कि स्पेन में क्या हुआ कि 120,000 जितने लोग जो हैं उन्होंने मार्चेस या फिर वो बाहर आए, राइट रास्ते पर आए टू सेलिब्रेट दिस इंटरनेशनल वेमेंस डे। और उसी दिन 60,000 जितने फैंस जो हैं वो एक बहुत बड़े स्टेडियम में इकट्ठा हुए। वॉक्स पार्टी में कुछ 9,000 थे और ये जो स्प्रेड हुआ है स्पेन में तो उसके ट्रेसेस हमें इन सारी जगहों से मिलते हैं। सेम थिंग गोज़ विथ मलेशिया एज वेल। मलेशिया में क्वालालंपुर में एक मॉस्क कॉम्प्लेक्स में लोग इकट्ठा हुए थे और बहुत सारे केसेस, 790 प्लस केसेस जो हैं इसके लिंक्स हमें इस इवेंट से मिलती हैं। क्वाम की बात करें, क्वाम ईरान का एक शहर है, होली शहर है, होली यानी कि एक रिलीजियस साइट है, वहाँ पर एक धार्मिक स्थल है। तो वहाँ पर भी बहुत सारे, ईरान में भी आप जानते हैं बहुत सारे लोग जो हैं वो अफेक्ट हुए हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ सोशल गैदरिंग। और साउथ कोरिया ने भी चर्चेस जो हैं उसके ऊपर एक होल्ड लगा दी हैं। तो ये गलती, ये जो एग्ज़ाम्पल हैं जो दुनिया से हम सीख सकते हैं कि मास गैदरिंग जो है ऐसे वक्त में यू नो इट्स नॉट सूटेबल, तो उत्तर प्रदेश सरकार को सोचना चाहिए, राइट? वी शुड नॉट टेक इट लाइटली। आप सोचिए कि अगर यहाँ पर चीज़ें ब्लास्ट हुई, ब्लास्ट इन द सेंस कि अगर यहाँ पर ये वायरस जो है ये फैलने लगा तो फिर उसके बाद ये हमारे देश, पूरे देश में फैल सकता है। तो वी शुड कंट्रोल आवर सेंटिमेंट्स और पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रखते हुए हमें जो प्रोग्राम्स हैं ऐसे रिलीजियस प्रोग्राम्स को भी डिले करना होगा। टाइम फॉर अ पावरफुल डिस्प्ले ऑफ ह्यूमैनिटी। अब इस आर्टिकल में भी कोरोना वायरस के साथ ही जुड़ी हुई बातचीत है। थिंग इज़ के भारत में 158 केसेस ही दर्ज हुए हैं और हमसे एक बहुत ही छोटा लेस पॉपुलेटेड कंट्री आइसलैंड में 250 जितने केस जो हैं वो दर्ज हुए हैं। भारत में इतने कम केसेस के पीछे जो मेन रीज़न बताया जाता है दैट इज़ टेस्टिंग। हमारे देश में टेस्टिंग जो है वो बहुत कम लोगों की हुई। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 मिलियन लोगों की टेस्टिंग हुई है भारत में, इतना बड़ा देश है, लेकिन थाईलैंड में 120 मिलियन की हुई है, वियतनाम में 40 मिलियन लोगों की टेस्टिंग की गई है और भारत में इतने ही लोगों की गई है। एक डॉक्टर टेड्रोस हैं, टेड्रोस का कहना यह है कि यू कैनॉट फाइट ए फायर ब्लाइंड फोल्ड। इजी टू अंडरस्टैंड स्टेटमेंट है कि आपकी आँख के ऊपर पट्टी लगाकर जो ये फायर हैं उसके साथ यू नो लड़ नहीं सकते, यू कैनॉट फाइट, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस जगह पर आपको जाना है। तो यही कुछ स्ट्रेटेजी जो है वो भारत अप्लाई कर रहा है, ऐसा लग रहा है इस पर दिस आर्टिकल, कि हम हमारी आंखों के ऊपर पट्टी लगाकर चल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर इतने ज़्यादा केसेस नहीं हुए हैं, हम सेफ हैं, वी कैनॉट टेक इट लाइटली। इस आर्टिकल में ये भी बताया है कि अगर प्रॉपर टेस्टिंग की जाए तो लाखों लोगों को या फिर हज़ारों में हमें लोग मिलेंगे, नॉट लाखों लेकिन हज़ारों में लोग मिलेंगे जिनको कोरोना वायरस की इफ़ेक्ट हैं या फिर कोरोना वायरस से वो इन्फेक्टेड हैं। एंड वी शुड मेक श्योर कि ये जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है कि एक व्यक्ति को हो गया उसके बाद दूसरे दो व्यक्ति उससे फिर दूसरे चार, तो ये जो पूरा चेन रिएक्शन है वो ना हो। और सबसे इम्पोर्टेंट इस आर्टिकल में अगर कोई लाइन है तो इट इज़ दिस वन बाय डॉक्टर एंथोनी फौची। डॉक्टर एंथोनी फौची ने यह बताया है कि वी शुड गेट क्रिटिसाइज्ड फॉर ओवर रिएक्टिंग रादर देन बींग अंडर प्रिपेयर्ड। मतलब ये है
कि आज भारत के पास वक्त है कि हम टेम्पररी हॉस्पिटल्स बनाएं, टेम्पररी सेटअप क्रिएट करें, हमारे पास इतने वेंटिलेटर्स नहीं है। आप देखिए भारत का करंट सिनारियो, 70,000 भारत के पास इंटेंसिव केयर यूनिट्स हैं और 1 लाख जितने वेंटिलेटर्स हैं। दिस इज सिंपली इनएडिक्वेट फॉर अ कंट्री ऑफ आवर साइज, एंड इट इज़ बेटर कि आज हम इसका प्रोडक्शन जो है उसको कर दें, हम टेम्पररी जो भी स्टेप्स उठा सकते हैं, जो भी एक मेक शिफ्ट हॉस्पिटल जो कहते हैं, अगर वो हम कर सकते हैं, वी शुड डू इट, नॉट कर सकते हैं, वी कैन डू इट एंड वी शुड डू इट, भले ही इसका उपयोग ना हो। वी शुड गेट क्रिटिसाइज्ड फॉर ओवर रिएक्टिंग, भले ही हमें बहुत ज़्यादा आंधी से पहले हमने अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रिपेयर कर लिया और फिर पता चला आंधी नहीं आई, तो दैट्स ओके, लेकिन अपने आप को प्रिपेयर ना रखना और उसके बाद जो तबाही मचेगी उससे अच्छा है कि हम प्रोएक्टिव हो जाएं। और जो इससे पहले भी मैंने कल आई थिंक कोट आपको बताया था, इज़न्ट इट, कि यू नो दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, दैट इज़ द थिंग दैट वी नीड टू फॉलो। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, गोइंग टू बी वेरी ब्रीफ हियर। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट, इट्स अबाउट माइनॉरिटी राइट्स। नाउ द थिंग इज़ के लॉर्ड एक्टन थे, उन्होंने बताया द मोस्ट सर्टेन टेस्ट बाय विच वी जज whether a country is really free is the amount of security enjoyed by minorities. एक देश कितना आज़ाद है, कितना स्वतंत्र है वहाँ पर रहना, वो हम इस चीज़ के ऊपर से अनुमान लगा सकते हैं कि उस देश में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको कितनी स्वतंत्रता मिलती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक प्लेज थी, एक शपथ थी कि आवर मिशन इज़ टू सेटिस्फाई एवरी इंटरेस्ट एंड सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ ऑल माइनॉरिटीज़ टू देयर सेटिस्फैक्शन, के हम हमारे माइनॉरिटीज़ को जो हैं उनको सेटिस्फाई करने की एक शपथ लेते हैं। आर्टिकल 30 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और एक केशवनंद भारती वाला भी बहुत फेमस केस है, 1973 का केस है, कि माइनॉरिटी राइट्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का एक पार्ट है। और आर्टिकल 30 जो हैं उसमें ये स्वतंत्रता भी दी गई है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो अपनी स्कूल्स, कॉलेज, जो स्कूल्स हैं, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो खुद ऑपरेट करेंगे और खुद चलाएंगे। लेकिन एक नई ट्रेंड हमें देखने को मिली है कि छोटी छोटी बेंचेस जो हैं वो बड़ी बेंचेस के डिसीजंस को ओवररूल कर रही हैं। और यहाँ पर जो यू ललित और जस्टिस अरुण मिश्रा ने वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ मद्रासा एजुकेशन एक्ट 1994 और वेस्ट बंगाल मद्रासा सर्विस एक्ट 2008, जिन्होंने जो ये मद्रासाज हैं उनसे ऑटोनोमी ले ली थी, तो इसको अपहोल्ड किया है, यानी कि इसको अपहेल्ड किया है, यानी कि इसको माना है। कि देखिए आर्टिकल 30 में जो राइट्स दिए गए हैं वो राइट्स माइनॉरिटीज़ के लिए हैं, और माइनॉरिटीज़ को ये छूट है कि वो अपने हिसाब से जो अपना करिकुलम है, वो जो फॉर एग्ज़ाम्पल मदरसा जो है, मदरसा में रूल्स एंड रेगुलेशंस किन को अपॉइंट करना है, ये सारी चीज़ें जो कम्युनिटी है वो खुद तय करेगी। कम्युनिटी को ये जो मदरसा हैं उनको चलाने वाले जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो खुद तय करेगी। लेकिन यहाँ पर एक सर्विस कमीशन एक्ट 2008 है, तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रेकमेंड करेगी, स्टेट एक मैनेजमेंट कमेटी जो है वो स्टेट रेकमेंड करेंगी उसके मेंबर्स को, और फिर वो तय करेंगे कौन टीचर्स हैं, थिंग्स लाइक दैट। तो इससे ये पता चलता है, या फिर इस आर्टिकल में यही बात है कि ये जो एक डिसीजन है, इस डिसीजन से ये जो स्वतंत्रता है वो चली जाती है। पास्ट में जो केसेस हैं उसमें भी आर्टिकल 30 जो है उसको अपहेल्ड किया गया है, इसमें ये जो स्वतंत्रता है उसको माना गया है, लेकिन नई कुछ छोटी बेंचेस जो हैं वो इन सारी चीज़ों को रिजेक्ट कर रही हैं। एंड दैट्स एवरीथिंग। मूविंग ऑन टू न्यूज़ आइटम्स, डियर फ्रेंड्स, 276 इंडियंस इन्फेक्टेड विद वायरस अब्रॉड। गुरुग्राम जो है वो बंद हो गया है, फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग, कल मैंने इसके बारे में आपको विस्तार से समझाया था, तो इसको लेकर एंक्शियस हैं। उत्तर प्रदेश ऑर्डिनेंस आर्बिट्ररी, जो प्रॉपर्टी बेचकर जो एक कॉम्पनसेशन कलेक्ट करना है तो उसको आर्बिट्ररी यानी कि उसको इल्लीगल माना है कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। इंडियंस जो ईरान में फंस चुके हैं उन्होंने बताया कि वहाँ पर कोई भी मेडिकल फैसिलिटी उनको प्रोवाइड नहीं की जा रही है, एंड ICMR ने यह बताया है कि WHO के जो ट्रायल्स हैं उसमें इंडिया पार्ट नहीं लेगा क्योंकि हमारे पास सैम्पल साइज जो है वो बहुत ही छोटी है। दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन, डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैंने जो आपको प्रश्न पूछे हैं उनके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करने हैं। हिट द लाइक बटन इफ यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम टुडेज डिस्कशन, एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हिट द नोटिफिकेशन बेल, and I'll see you soon with daily financial news analysis. God bless you all. Jai Hind.